गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कल आप लोगों के छोड़ने के बाद अचानक ध्यान में आया कि कमाईनी बची हुई है। यद्यपि कमाईनी के बिना भी काम चलाया जा सकता है। पद्य खंड में अगर आप देखें तो कबीर, सूर, निराला, अगर इन तीनों को बढ़िया से कर लें और गद्य खंड में कहानियां, प्रेमचंद की कहानियां, उपन्यास और अंधेर नगरी एवं चंद्रगुप्त नाटक, अगर इसको कर लेते हैं तो पलट करके देखेंगे तो पेपर टू पार्ट टू में गद्य और पद्य से जो प्रश्न पूछे जाते लगभग आप सेफ हैं। फिर भी मुझे लगता है कि इनसाइट के डेवलपमेंट के लिए, और चूंकि स्कंदगुप्त नाटक आपको चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद का ऑलरेडी पढ़ना है, तो मुझे लगता है कामायनी को कवर किया जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि कामायनी के जरिए आपको चंद्रगुप्त नाटक को भी समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक की व्याख्या पर जब आप जाएंगे तो बिना प्रसाद के दर्शन की समझ के प्रसाद की व्याख्या बहुत मुश्किल है, और प्रसाद के दर्शन को समझने में कामायनी अहम भूमिका निभाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कामायनी से गुजरना आवश्यक था। सबसे पहले देखें कामायनी से कितने डायमेंशन से प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रश्न का जो पहला डायमेंशन यहां से बन सकता है वह है कामायनी रूपक के रूप में। कामायनी रूपक के रूप में दूसरा डायमेंशन कामायनी का दर्शन। तीसरा डायमेंशन कामायनी में अभिव्यक्त नवजागरण परक चेतना। कामायनी में अभिव्यक्त नवजागरण परक चेतना, चौथा डायमेंशन कामायनी और आधुनिक भावबोध। पांचवा डायमेंशन आधुनिक प्रयोगशील महाकाव्य के रूप में
आधुनिक प्रयोगशील महाकाव्य के रूप में कामायनी। जब कामायनी रूपक के रूप में कहेंगे तो यहीं पर प्रश्न का एक डायमेंशन खुलेगा। मानव सभ्यता के विकास के रूप में मानव सभ्यता के विकास के रूप में कामायनी, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रसाद का सौंदर्य बोध और कामायनी, और इसके कंटेक्स्ट में देखें तो स्पेसिफिक होकर के श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण पर भी प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे एक डायमेंशन हो सकता शक्ति काव्य के रूप में कामायनी, एक डायमेंशन कामायनी का अंगिरस, ये विविध डायमेंशन है। कामायनी के कोटेशन को आधार बना करके भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। So get ready for that। अब अगर हम बात करें तो प्रसाद कामायनी की रचना 1936 में करते और 1936 के वर्ष को देखें तो 1936 का ईयर जो है बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास में। एक और 1936 का वर्ष छायावाद के उत्कर्ष को इंगित करता है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो यह छायावाद के अवसान को भी इंगित करता, क्योंकि 1936 के वर्ष ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ अगर आप देखें तो प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की शुरुआत होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कामायनी की रचना एक ऐसे समय में होती है जब छायावाद अपने अवसान की ओर अग्रसर होता और प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की शुरुआत हो रही है। एक इस पहलू को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। दूसरा, इस पहलू को भी ध्यान में रखे जाने की जरूरत है जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की,
कि छायावादी कविता का स्वरूप जो है वह स्थिर ना होकर विकसनशील रहा है, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो पीछे जो हमारी आपके साथ चर्चा हो रही थी, तो अपनी उस चर्चा के क्रम में हमने विस्तार से इस बात का उल्लेख किया, हमने विस्तार से इस बात का उल्लेख किया कि किस प्रकार छायावादी कविता का स्वरूप उत्तरार्ध में आकर के बदलता है। छायावाद पर जो रहस्यात्मकता के आरोप लगाए जाते थे, छायावाद पर जो पलायनवाद का आरोप लगाया जाता था, तो आप देखेंगे रहस्यात्मकता के आवरण से छायावादी कविता बाहर निकलकर रहस्यात्मक लोक से छायावादी कविता बाहर निकलकर जीवन जगत के यथार्थ से जुड़ने की कोशिश करती दिखाई पड़ती है। और इस क्रम में देखा जाए तो छायावादी कविता की प्रगतिशील चेतना आकार ग्रहण करती है। तो स्वाभाविक तौर पर छायावादी कविता की जो प्रगतिशील चेतना है, उस प्रगतिशील चेतना का असर कामायनी पर भी दिखाई पड़े। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह देखें, आज के दौर में मुझे लगता है कुछ शब्दों से हमें परहेज होने लगा है, कुछ शब्दों से हमें परहेज होने लगा है। मार्क्स, मार्क्सवाद, मार्क्स, मार्क्सवाद, वामपंथ, वामपंथी चेतना, कहीं ना कहीं इससे हम दूरी बरतने लगे। और अक्सर आप देखेंगे ये भविष्यवाणी की जाती है कि इनका कोई भविष्य नहीं है, इनका कोई भविष्य नहीं है। और यहां पर ध्यान रखेंगे, प्रसाद वामपंथी नहीं है, प्रसाद वामपंथी रचनाकार नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि इनका भविष्य था, इनका भविष्य है, और इनका भविष्य आगे भी रहेगा। और जब मैं कहता हूं इनका भविष्य था, इनका भविष्य है, और इनका भविष्य आगे रहेगा, तो थोड़ा सा कैटेगराइज में करना चाहूंगा। और कैटेगराइज में यह करना चाहूंगा जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं वामपंथी विचारधारा की बात नहीं कर रहा। वामपंथी विचारधारा की बात मैं नहीं कर रहा। और वामपंथी राजनीति की बात तो एकदम नहीं कर रहा। यह सच है, मुझे भी इस बात में संदेह है कि वामपंथी राजनीति का कोई भविष्य है। लेकिन दो चीजें कैटेगरिकली क्लियर करना चाहूंगा। वह यह कि वामपंथी विचारधारा का भविष्य है, और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में वो हमेशा डोमिनेट करेगा, मुझे कम से कम इसमें संदेह नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा। आप गौर करें, मैं विचारधारा की बजाय वामपंथी संवेदना की बात कर रहा हूं। जब मार्क्स नहीं थे उस समय भी वह संवेदना मौजूद थी, जब मार्क्स आए
तब भी वह संवेदना मौजूद है। और एक सिचुएशन इमेजिन करें जब मार्क्सवाद नहीं रहेगा, तब भी वह संवेदना रहेगी, नाम आप कुछ और दे दें। मानवीय संवेदना, मानवीय सरोकार, मानवीय चेतना के प्रति प्रतिबद्धता, मानवीय संवेदना, मानवीय सरोकार, मानवीय चेतना के प्रति प्रतिबद्धता, इसके लिए हमेशा स्पेस रहेगा। और अगर इसके लिए स्पेस रहेगा तो यह बहुत मायने नहीं रखता कि हम वामपंथ से प्रेम करते हैं या नफरत करते हैं, यह बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन चूंकि वामपंथ का इस मानवीय संवेदना से, मानवीय चेतना के प्रति प्रतिबद्धता से सरोकार है, इसलिए कम से कम इंटेलेक्चुअल स्पेस में उसकी मौजूदगी बनी रहनी है। और इसका एक दूसरा भी कारण, क्योंकि किसी भी चीज को लार्जर कंटेक्स्ट में देखें, यहां पर भी आपको लेफ्ट और राइट का एक द्वंद दिखाई पड़ेगा, जबकि प्रसाद वामपंथी नहीं है। मुझे अगर कुछ कहना हो तो दो बातें कहना चाहूंगा। दक्षिण पंथ का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए मॉडर्निज्म समझते हैं, मॉडर्निज्म से दक्षिण पंथ का मेल नहीं है, और यह सबसे बड़ी दक्षिण पंथ की समस्या है। और यह मॉडर्निज्म जो है दक्षिण पंथ के एग्जिस्टेंस के लिए ही खतरा है, क्योंकि मॉडर्निज्म के केंद्र में तर्क है, मॉडर्निज्म के केंद्र में बौद्धिकता है, मॉडर्निज्म के केंद्र में मनुष्य केंद्रित चिंतन है। और अगर दक्षिण पंथ को समझने की कोशिश करें तो दक्षिण पंथ के केंद्र में आस्था है, दक्षिण पंथ के केंद्र में भावुकता है, दक्षिण पंथ जो है अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दों और भावनात्मक एजेंडे को केंद्र में रखता है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह दक्षिण पंथ की महत्वपूर्ण सीमा है। और अगर आप गौर करें तो इन्हीं बिंदुओं के आलोक में हमने कहा कि दक्षिण पंथ का कोई भविष्य नहीं, क्योंकि यह चीज ध्यान रखेंगे जो चीजें मॉडर्निज्म से, जिन चीजों का तालमेल होगा वो चीजें एग्जिस्ट करेंगी, जिनका तालमेल नहीं होगा वे चीजें एग्जिस्ट करेंगी, संदेह है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में मैं कहूं वामपंथ की जो ताकत है वह है तर्क एवं बौद्धिकता, वामपंथ की जो ताकत है इस तर्क और बौद्धिकता के कारण उसका मॉडर्निज्म से मेल, मॉडर्निज्म के साथ उसका तालमेल। वामपंथ की जो ताकत है वह है उसका मनुष्य केंद्रित चिंतन।
लेकिन वामपंथ के सामने चुनौतियों को अगर आप देखें तो वामपंथ के सामने भी चुनौती है। किसकी चुनौती है? तो पूंजीवादी उपभोक्तावाद की चुनौती है। पूंजीवादी उपभोक्तावाद की चुनौती है और कहीं न कहीं वामपंथ की एक महत्वपूर्ण सीमा है। क्या महत्वपूर्ण सीमा है? उसमें उस लोचशीलता का अभाव है, वामपंथ में उस फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है, जिस फ्लेक्सिबिलिटी की बदौलत या जो फ्लेक्सिबिलिटी इसे विपरीत परिस्थितियों में सर्वाइव करने में सक्षम बनाए, इस लोचशीलता का वामपंथ में अभाव है। मतलब आप देखेंगे एक्सट्रीम रिजिडिटी वहां पर मिलेगी आपको, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप जाकर के देखें तो यह बात भी एक हार्श रियलिटी है। व्यवहार के धरातल पर वैचारिक प्रतिबद्धता जन प्रतिबद्धता पर भारी पड़ती है वामपंथ में, और वैचारिक प्रतिबद्धता जब जन प्रतिबद्धता पर भारी पड़ेगी तो फिर अलगाव की संभावना जो है वो कहीं न कहीं बढ़ती चली जाएगी। आप अगर देखें प्रसाद प्रखर राष्ट्रवादी हैं, क्या इसमें कोई संदेह है? क्या इसमें कोई संदेह है कि प्रसाद की रचनाओं में राष्ट्रीय सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति मिली है? क्या इसमें संदेह है कि प्रसाद की रचनाएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक अस्मिता की पर्याय बनती दिखाई पड़ती? मतलब प्रसाद में अगर आप देखें तो वाम और दक्षिण का विलक्षण सामंजस्य आपको दिखाई पड़ेगा। और वाम और दक्षिण का विलक्षण सामंजस्य अगर प्रसाद में दिखाई पड़ता तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि प्रसाद वामपंथ और दक्षिण पंथ दोनों की अतिवादिता से मुक्त है। अतिवादिता चाहे वामपंथ की हो, अतिवादिता चाहे दक्षिण पंथ की हो, प्रसाद को अतिवादिता मात्र से परहेज है। दरअसल प्रसाद की रचनाओं में आप जाकर के देखें तो प्रसाद की रचनाओं में आपको समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई पड़ेगी। राष्ट्रवादी होने के बावजूद आप अगर गौर करें तो प्रसाद कामायनी में क्या लिखते? भाव रास के सकल मानसिक सुख हैं दुख में बदल रहे। भाव रास के सकल मानसिक सुख हैं दुख में बदल रहे। यहां पर अगर आप गौर करें तो आप क्या पाते? अगर मैं बात करूं तो एक प्रसाद की जीवन दृष्टि को हमने देखने की कोशिश की,
और जीवन दृष्टि के क्रम में पहला बिंदु जो उठाया वह वाम और दक्षिण के संदर्भ में उठाया, दूसरा राष्ट्र के संदर्भ में उठा रहा। यह हुआ दौर है जिस दौर में आप देखेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर विमर्श क्या है, जिस दौर में आप देखेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर के विमर्श जोर पकड़ रहा है। और अगर आप देखें राष्ट्रवाद के दो रूप उभरते दिखाई पड़ते, राष्ट्रवाद का जो एक रूप दिखाई पड़ रहा वह कहां दिखाई पड़ रहा, पश्चिम में। और राष्ट्रवाद का जो एक दूसरा रूप इमर्ज करता दिखाई पड़ रहा वो कहां दिखाई पड़ रहा, उपनिवेशों में। एक ओर पश्चिम में दिखाई पड़ रहा है, दूसरी ओर उपनिवेशों में दिखाई पड़ रहा है। अब जरा गौर करेंगे, पश्चिम में जो राष्ट्र और राष्ट्रवाद का रूप दिखाई पड़ रहा है इसके भी दो रूप दिखाई पड़ रहे। पश्चिमी राष्ट्रवाद की परिणति किस रूप में हो रही, तो या तो साम्राज्यवाद के रूप में परिणति हो रही, या पश्चिमी राष्ट्रवाद की परिणति किस रूप में हो रही है, अंधराष्ट्रवाद के रूप में। नहीं, अंधराष्ट्रवाद के रूप में जब मैं कह रहा तो नाजीवाद फाशीवाद में, और पश्चिम में जो राष्ट्र और राष्ट्रवाद का स्वरूप इमर्ज करता दिखाई पड़ता वह क्या है, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म। यह एक भाषा, एक जाति, एक धर्म पर आधारित है। और यह क्या है, यह आक्रामक राष्ट्रवाद है। यह आक्रामक राष्ट्रवाद है, जबकि उपनिवेशों में जो राष्ट्रवाद आकार ग्रहण कर रहा वह क्या है, उसका स्वरूप रक्षात्मक, उसका स्वरूप आक्रामक नहीं है। उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप रक्षात्मक है। अब अगर थोड़ा सा फिर मैं इतर हटूंगा, क्यों इतर हटूंगा,
दरअसल देखें, एक कहावत प्रचलित है, यह ढोंग ढोंगियों का है, खाने के वास्ते हरि नाम रख छोड़ा है पुजाने के वास्ते। मतलब फ्रेंकली अगर मुझे पूछें तो मुझे यह स्वीकार करने में हिचक नहीं, क्योंकि जिस दौर में हमने तैयारी शुरू की थी उस दौर में बिहार का सिलेबस यूपीएससी का सिलेबस एक ही था, यूपीएससी का सिलेबस वही था जो बिहार का सिलेबस था। और सर ने, तिवारी सर ने कामायनी तुलसी मोटा मोटी करवा तो दिया था, शिखर एक जीवनी करवा दिया था, लेकिन मना किया था करने से कि इसमें मत उलझिएगा। लेकिन अपनी जिद पर मैंने शिखर की और शिखर मैं करता रहा जब तक दो अटेम्प्ट दिए, और शिखर से मैं प्रश्न लिखता रहा यूपीएससी में भी। लेकिन कामायनी पर बहुत ध्यान नहीं दिया। लेटर फेज में कहूं, जब पढ़ाना शुरू किया तो ये कर लीजिए वो कर लीजिए का विकल्प समाप्त हो जाता है, और तब तक सिलेबस भी चेंज हो चुके थे यूपीएससी के। तो कामायनी भी पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाना शुरू किया तो उसके लिए पढ़ने की जरूरत थी तो पढ़ना शुरू किया। कई बातें आप लोग नहीं समझते, अभी जो मैं बातें कहता ना, कई बातें आप लोग नहीं समझते क्योंकि आपको लगता है कि बस यूं ही बोला जा रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस टॉपिक पर क्लास में आपने गैप दिया है वो आपकी कमजोर कड़ी बन जाती है, और उसको ओवरकम करना आसान नहीं रहता है। मतलब जीवन के अनुभव की बात मैं कर रहा हूं, उसे ओवरकम करना आसान नहीं रहता, और कम से कम 10 times ज्यादा समय लगेंगे उसको ओवरकम करने में, और तब भी आप कर पाएंगे मुझे संदेह है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था, पिछले 5-6 वर्षों के दौरान प्रसाद को मुझे समझने का मौका मिला, क्योंकि स्कंदगुप्त नाटक यूपीएससी में था और कामायनी यूपीएससी में भी पढ़ाना शुरू किया। पिछले 3-4 वर्षों से, 3-4 वर्षों क्या, बीपीएससी पहले इरेगुलर था तो बीपीएससी स्पेशल क्लासेज में लेता ही था, तो जब लेता था उस समय चंद्रगुप्त नाटक भी पढ़ाता था। और पिछले 6-7 वर्षों के दौरान जो हमारा राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य निर्मित हुआ है, तो फ्रेंकली अगर पूछे तो एज ए टीचर वर्तमान प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूं। जितना उन्होंने सीखने का मौका दिया, शायद अगर कोई दूसरे प्रधानमंत्री होते तो संभव नहीं होता, ये कहने से मुझे गुरेज नहीं है। लगातार इशूज इमर्ज करके आते रहे और अपनी क्षमता भर सब पर तो नहीं काम कर पाया, लेकिन अपनी क्षमता भर जहां तक संभव हुआ लगातार काम किया, और इसने एज ए टीचर ग्रो में भी अहम रोल प्ले किया और सोच समझ जानकारी के दायरे को भी विस्तृत किया। फिर संयोग से बीपीएससी के प्रश्नों के ओरिएंटेशन में चेंज आए,
गांधी नेहरू टैगोर से थॉट पर आधारित प्रश्न पूछे जाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब उसके लिए पढ़ना फिर शुरू किया, राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर पढ़ना शुरू किया, टैगोर के चिंतन को पढ़ा। जब जेएनयू विवाद उभर कर आता है तो आजादी को लेकर और राष्ट्रवाद को लेकर एक पूरा का पूरा डिस्कोर्स होता है, लेक्चर सीरीज चलता है। अब सारा तो नहीं देख पाया, लेकिन उस लेक्चर सीरीज से भी जुड़ने की कोशिश की, और शायद इन सारी चीजों ने मिलकर के प्रसाद को समझने की एक बेहतर दृष्टि दी। और मैं महसूस करता हूं कि प्रसाद को मुश्किल मान करके हम प्रसाद को किनारे कर देते, और अक्सर प्रसाद को किनारे करने के लिए उन्हीं की जो आत्मस्वीकारोक्ति है उसका हवाला दिया जाता कि मैं रिक्शे वाले, ठेले वाले, खोमचों वालों के लिए नहीं लिखता। अब प्रसाद को यह थोड़े पता था कि अब रिक्शे वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले यूनिवर्सिटी में भी पहुंचने लगे हैं, उन्हीं की भीड़ ज्यादा होगा। अरे रिक्शे वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले का मतलब क्या है? जिनकी सोच रिक्शे वाले, ठेले वाले और खोमचों वालों वाली हो, जिनकी सोच रिक्शे वाले, ठेले वाले और खोमचों वाले की हो। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस किया, आज भी मैं पूरे भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि प्रसाद को मैं 10% भी समझता, हाँ, लेकिन जीवन में कुछ सपने हैं, उन सपनों में एक सपना यह भी है कि प्रसाद को समझूं और प्रसाद के हर साहित्य से गुजरूं। अब आप लोगों से मुक्ति मिलेगी तब फिर उस दिशा में बढ़ना होगा, उसके पहले तो संभव नहीं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, जो ये जो पंक्ति है, भाव रास के सकल मानसिक सुख हैं दुख में बदल रहे, जरा इस पंक्ति को समझे, इस पंक्ति को भी समझे और आज के समय, आज के दौर को भी समझे। मैंने कहा पश्चिमी राष्ट्रीयता की संकल्पना एक भाषा, एक जाति, एक धर्म की संकल्पना पर आधारित थी, और मैं सजेस्ट करूंगा, मैं अपने एक ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर जब मैं काम कर रहा था तो 3 ब्लॉग हमने लिखे थे, यद्यपि उस पर अभी और काम करना है। उसमें एक ब्लॉग था हिंदी साहित्य में राष्ट्रवाद, हिंदी साहित्य में राष्ट्रवाद, उसका लिंक डाल दूंगा, वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो दरअसल आप देखेंगे नेशन और नेशनलिज्म की संकल्पना जो इमर्ज करती है इटालियन सिटी स्टेट से करती है, इटली के नगर राज्य जो थे, जो भौगोलिक दृष्टि से आकार में छोटे होते थे, जहां पर अगर आप देखेंगे तो एक भाषा बोलने वाले और एक धर्म के अनुयायियों की बहुतायत होती थी, और इसीलिए पश्चिम में जो राष्ट्र और राष्ट्रवाद की संकल्पना इमर्ज करती है वह एक भाषा, एक जाति, जाति यहां फिर कास्ट के सेंस में नहीं, एथनिसिटी, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म की संकल्पना पर आधारित। अब आप देखें जब राष्ट्र और राष्ट्रवाद की संकल्पना सामने आती तो पश्चिमी दुनिया जो है राष्ट्र और राष्ट्रवाद की संकल्पना का इस्तेमाल करना शुरू करती और एग्रेसिवली इस्तेमाल करती है। वेस्टर्न सोसाइटी के 2 ग्रुप हैं, एक वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके द्वारा एग्रेसिवली राष्ट्र और राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता,
और दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की पृष्ठभूमि में जाकर के देखें तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट क्लास जो इमर्ज करता है वह भी राष्ट्र और राष्ट्रवाद के एजेंडे को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने में विश्वास करता, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करना है, और राजनीतिक प्रभाव का विस्तार नहीं करना है, साथ ही साथ देखें तो उसके अपने पॉलिटिकल पोजीशन को भी क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें जो इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट क्लास है उसको लार्जर मार्केट की जरूरत है जहां पर अपने उत्पादों को वह बेच सके, उसको रॉ मटेरियल्स के न्यू सोर्सेज की तलाश है, उसको चीप लेबर की तलाश है, सस्ते श्रम की तलाश है, उसको ऐसे डेस्टिनेशन की तलाश है, ऐसे मार्केट की तलाश है जिस मार्केट में वह अपने सरप्लस कैपिटल को इन्वेस्ट कर सके, जो इन्वेस्टमेंट उत्पादक भी हो और सुरक्षित भी हो। बातें समझ रहे हैं ये नहीं? तो वह क्या करता है? और उसके सामने एक और चुनौती खड़ी हो रही है, कॉमन चुनौती है इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट क्लास के आगे और स्टेट के आगे। कॉमन चुनौती क्या है? कॉमन चुनौती यह है कि धीरे धीरे आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस तेज होता, तो आप देखेंगे एक मजदूर वर्ग इमर्ज करता है, और धीरे धीरे यह मजदूर वर्ग अपने शोषण के विरुद्ध क्या करता है, आवाज उठाता है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की जो प्रक्रिया तेज होती है, तो इस तेज होती प्रक्रिया में किसको सफर करना पड़ता? जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो सफर करेगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिज्म ने, पूंजीवादी उपभोक्तावाद ने असमान विकास की स्थिति को जन्म दिया, और असमान विकास असंतोष को जन्म देगा नहीं? और अगर उसके कंटेक्स में आप जाकर के देखें तो आप क्या पाते, मतलब धीरे धीरे वेस्टर्न सोसाइटी में डिसकंटेंट बढ़ रहा, असंतोष बढ़ रहा है, और असंतोष के साथ साथ जो है क्या बढ़ रहा, असंतोष के साथ साथ जो है डिस्टर्बेंसेज भी बढ़ रहा है, उपद्रव भी बढ़ रहा है, और यह असंतोष और यह उपद्रव किसके लिए खतरा है, तो स्टेट के लिए भी खतरा है और इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट क्लास जो है वह उसके लिए भी खतरा है, जो पूंजीपति उद्योगपति वर्ग है उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि डिस्टर्बेंसेज के बढ़ने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा ग्रोथ प्रोसेस के डिरेल होने का खतरा। तो इसने क्या किया, नेशन और नेशनलिज्म के एजेंडे के जरिए क्या कोशिश की, नेशन और नेशनलिज्म के एजेंडे के जरिए इसने डाइवर्ट करने का प्रयास किया, लोगों के ध्यान को डाइवर्ट किया, उसने नेशनल प्राइड के भाव को फ्यूल करने का काम किया, राष्ट्रीय गौरव के भाव को पैदा करने की कोशिश की, उत्प्रेरित करने की कोशिश की। और अगर उस कंटेक्स्ट में देखें तो राष्ट्रीय गौरव का जब भाव पैदा होता है
तो रियल वर्ल्ड की जिन समस्याओं से वे जूझ रहे हैं, वे समस्याएं डिस्कोर्स से क्या होती, बाहर चली जाती। आज अगर भारतीय समाज में जाकर के देखें तो भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो वर्तमान सत्ता और वर्तमान शासन के पक्ष में खड़ा है, और उससे जब बातचीत आप शुरू करें, बस उसको यह लगना नहीं चाहिए कि आप पॉलिटिकल हो रहे। जब आप बातचीत करना शुरू करें तो आप देखेंगे धीरे 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 उसकी परेशानियां और उसके गुस्से सामने आते हैं, और लास्ट में एक लाइन जोड़ दे तो वो कहेगा नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना तो होगा कि अब तक जो है हिंदू बिखरे हुए थे और मुसलमानों का मन बढ़ गया था, तो मोदी ने मुसलमानों को संट कर दिया। मतलब ये स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। और अल्टीमेटली अगर आप देखें ये जो संटिंग वाली सोच है, उस संटिंग वाली सोच का परिणाम क्या होता, एक और आप देखें कॉलोनियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता, और कॉलोनियलाइजेशन के प्रोसेस के शुरू होने का मतलब समझिए या पश्चिमी राष्ट्रीयता की एक विशिष्ट प्रकृति को की ओर इशारा करता। कॉलोनियलाइजेशन के प्रोसेस के शुरू होने का मतलब यह है कि पश्चिमी राष्ट्रीयता अपनी राष्ट्रीयता के प्रति तो सम्मान करना सिखाती है, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रीयता अन्य राष्ट्रीयता के प्रति असम्मान प्रदर्शित करती है, और पश्चिमी राष्ट्रीयता अन्य राष्ट्रीयताओं के विनाश का मार्ग तैयार करती। आप अगर देखें हिटलर और मुसोलिनी तो बाद में पैदा हुए ना, लेकिन आप अगर देखें तो इसका लॉजिकल कल्मिनेशन क्या है, ये जो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, पश्चिमी राष्ट्रवाद जिस उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के रूप में तार्किक परिणति प्राप्त करता है, वह हमें किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा करता, तो वह हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार की ओर ले जाता है। उन्हीं औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धाओं ने तो दुनिया को पहले विश्व युद्ध की ओर धकेलने का काम किया। नहीं, और अगर इसके बैकग्राउंड में आप जाकर के देखें उसी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में देखें, हिटलर और मुसोलिनी का आगमन होता है, और यह ध्यान रखें हिटलर और मुसोलिनी व्यक्ति नहीं है, हिटलर और मुसोलिनी व्यक्ति नहीं है मेरे लिए, हिटलर और मुसोलिनी मेरे लिए एक सोच, एक मानसिकता को रिप्रेजेंट करते, और हिटलर और मुसोलिनी जिस सोच को का प्रतिनिधित्व करते, जिस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते, वह मानसिकता क्या है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं दूसरा कोई नहीं है। बातें स्पष्ट सुन, अब अगर गौर करें तो एक भाषा एक जाति एक धर्म की यह अवधारणा जब नाजीवाद फासीवाद के रूप में आकार ग्रहण करती है, तो वहां पर जाकर के देखें दो कंपोनेंट मौजूद मिलेंगे, एक
जातीय श्रेष्ठता की भावना आपको दिखाई पड़ेगी। और दूसरा, अन्य जातीयताओं के प्रति घृणा आपको दिखाई पड़ेगी। एक, जातीय श्रेष्ठता की भावना दिखाई पड़ेगी, और दूसरा, अन्य जातीयताओं के प्रति घृणा आपको दिखाई पड़ेगी। अब आप गौर करें, इसकी परिणति किस रूप में होती? ये जो अंधराशवाद है, इसकी परिणति अगर आप देखें तो यहूदियों के नरसंहार के रूप में, और इसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में होती। इतनी बातें स्पष्ट हुई? तो अगर यहां पर गौर करें, प्रसाद ने जब अगर लिखा, आज अगर प्रसाद होते तो मैं महसूस करता हूं जेल की सलाखों के पीछे होते। प्रसाद ने जब लिखा, भाव राष्ट्र के सकल मानसिक सुख हैं दुख में बदल रहे। क्यों दुख में बदल रहे? तो कहीं जहां यह उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के रूप में तार्किक परिणति प्राप्त करता, वह द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध का आधार तैयार करता, और जहां पर यह अंधराष्ट्रवाद का रूप लेता है, अंधराष्ट्रवाद का रूप लेकर नाजीवाद फासीवाद के रूप में तार्किक परिणति प्राप्त करता है, वहां पर अगर आप जाकर के देखें तो वह यहूदियों के नरसंहार का आधार तैयार करता, वहां पर यह द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करता है। और दोनों ही स्थितियों में यह क्या कर रहा? मानव और मानवता के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहा। इतनी बातें स्पष्ट हुई? अब एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता। यह बात तो समझ गए कि प्रसाद ने क्यों कहा भाव रास के सकल मानसिक सुख हैं दुख में बदल रहे। इसका मतलब है कि प्रसाद की कामायनी जो है राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर, उस दौर में जो विमर्श चल रहा है, उस विमर्श में एक सार्थक हस्तक्षेप है। प्रसाद कामायनी के माध्यम से उस विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करते हैं, और उस विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करते हुए दुनिया को एक चेतावनी देते हैं, एक वार्निंग देते हैं। लेकिन प्रसाद की चेतावनी को दुनिया ने सुना? नहीं सुना। नहीं सुना। 1936 में कामायनी की रचना होती, अगर दुनिया ने प्रसाद की चेतावनी सुनी होती तो यह वह दौर है जिस दौर में दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। अगर दुनिया ने यह चेतावनी सुनी होती तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ने से दुनिया को रोका जा सकता था, दुनिया रुक सकती थी। लेकिन प्रसाद ने भी चेतावनी नहीं सुनी। क्या प्रसाद की इस चेतावनी को हम सुन रहे? क्या प्रसाद की इस चेतावनी को भारत ने सुना उस समय? क्योंकि उस समय अगर आप जाकर के देखें तो भारत में भी तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता की दो संकल्पनाएं आकार ग्रहण कर रही। राष्ट्र और राष्ट्रीयता की एक संकल्पना जिसका प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग और हिंदू सभा कर रही है, राष्ट्र और राष्ट्रीयता की एक संकल्पना जिसका प्रतिनिधित्व आरएसएस के द्वारा किया जा रहा। चाहे मुस्लिम लीग के राष्ट्र और राष्ट्रीयता की संकल्पना को देखें या फिर आप हिंदू महासभा की राष्ट्र और राष्ट्रीयता की संकल्पना को देखें,
क्या आपको नहीं लगता कि दोनों की संकल्पनाएं जो हैं पश्चिमी राष्ट्रीयता की संकल्पना के कहीं ज्यादा करीब हैं? एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, इस पर इसके कहीं अधिक करीब हैं, इस पर आधारित है? दूसरी ओर राष्ट्रीयता की एक संकल्पना है जो उस दौर की मुख्य धारा में मजबूत और प्रभावी है, और राष्ट्रीयता की वह संकल्पना क्या करती है? राष्ट्रीयता की वह संकल्पना एक भाषा, एक जाति, एक धर्म पर आधारित राष्ट्रीयता की संकल्पना को नकारती है। वह आइडिया ऑफ इंक्लूसिव नेशनलिज्म है, वहां पर समावेशी राष्ट्रवाद की अवधारणा है। समावेशी राष्ट्रवाद की अवधारणा क्यों है? क्योंकि भारत जो है मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है। भारत के संदर्भ में देखें तो यहां पर भाषाई विविधता दिखेगी, धार्मिक विविधता दिखेगी, निर्जातीय विविधता दिखेगी, और एक डाइवर्स सोसाइटी के लिए, एक डाइवर्स कल्चर के लिए, एक डाइवर्स सोसाइटी और एक डाइवर्स कल्चर में अगर एक भाषा, एक जाति, एक धर्म पर आधारित संकल्पना को अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? वह समाज बिखर कर रह जाएगा, वह संस्कृति बिखर कर रह जाएगी, वह राष्ट्र बिखर कर रह जाएगा। प्रसाद इस बात को समझते थे प्रसाद के प्रीडेसर्स जो थे वे इस बात को समझते थे। अगर आप देखें तो मैथिलीशरण गुप्त और प्रसाद ऐसे रचनाकार हैं जिन रचनाकारों को अगर आप देखें तो जिन रचनाकारों में पुनरुत्थानवाद की तमाम संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी, तीनों रचनाकारों में। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो तीनों रचनाकार में जो है ढूंढने पर आपको दक्षिणपंथी रुझान भी मिल जाएंगे, और शायद इसलिए देखेंगे वामपंथियों को इन तीनों से परहेज है, सख्त परहेज। एक दिन मैं किन्हीं से मिलने पहुंचा हुआ था सहमत के ऑफिस, तो संयोग से वहां पर प्रभात पटनायक जी थे, जोया हसन थी, मिस्टर हसन की वाइफ, राजेंद्र सिंह जी थे सहमत के जो चीफ थे। चर्चा वहां पर चल रही थी, मैं भी था, दो ढाई घंटे था वहां पर सुन रहा था। राजेंद्र सिंह जी ने एक टिप्पणी की, और राजेंद्र सिंह जी ने टिप्पणी की क्योंकि ये मत सोचिएगा गलती से भी कि सर्टिफिकेट बांटने का काम जो है केवल भाजपा करती है। सर्टिफिकेट बांटने की एक लंबी परंपरा हमारे यहां रही है। नहीं, पहले बुर्जुआ और सरभारा के सर्टिफिकेट बांटे जाते थे, अब नेशनल एंटी नेशनल के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, फर्क यही है। तो एक बात उन्होंने कही राजेंद्र सिंह जी ने कि आज जिस देश जिस मुकाम पर खड़ा है, इस स्थिति तक देश को लाने में भारतेंदु जैसे रचनाकारों की अहम भूमिका रही। उनका इशारा उस पुनरुत्थानवादी चेतना की ओर था
क्योंकि इन तीनों रचनाकारों को देखें तो वैष्णव धर्म और वैष्णव संस्कारों में इन तीनों की गहरी आस्था है। वैष्णव धर्म और वैष्णव संस्कारों में इन तीनों की गहरी आस्था है। अतीत के प्रति मोह इन तीनों के यहां मौजूद दिखाई पड़ेगा, और अतीत के प्रति या मोह जो है इन तीनों को अतीत के गौरव गान के लिए उत्प्रेरित करता। और इन्हीं कारणों से आप क्या देखते हैं, अच्छा अस्मितावादी विमर्श तीनों जगहों पर आपको मिलेगा, सांस्कृतिक अस्मितावादी विमर्श तीनों जगहों पर मिलेगा, भारतेंदु के यहां भी मिलेगा, मैथिली शरण गुप्त के यहां भी मिलेगा और प्रसाद के यहां भी आपको मिलेगा। नहीं, हम अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी रचनाकार या किसी भी रचना को टुकड़ों में देखने के आदि हो चुके हैं। हम सेलेक्टिविज्म के शिकार हैं, हम में से हर कोई सेलेक्टिव है, और यह सेलेक्टिव अप्रोच बहुत ही खतरनाक है। यह सेलेक्टिव अप्रोच जो है बहुत ही खतरनाक है। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, प्रसाद की रचना में भी देखें, कामायनी का कथानक ही उन्होंने कहां से लिया है, कामायनी के कथानक को ही उन्होंने प्रसाद ने जो लिया है, पौराणिक मिथकीय आख्यानों से उठाया है, और पौराणिक मिथकीय आख्यानों से कामायनी के कथानक को उठाना, क्या आपको नहीं लगता कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति प्रसाद के लगाव को दर्शाता है, उसे जुड़ाव को दर्शाता है? लेकिन जब इन सब चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल यह उठता कि 1884 में भारतेंदु का बलिया व्याख्यान है, मैं यह जानना चाहता क्या उस बलिया व्याख्यान की अनदेखी करके भारतेंदु को समझा जा सकता है, क्या उस बलिया व्याख्यान की अनदेखी करके भारतेंदु का मूल्यांकन किया जा सकता है? नहीं, उस बलिया व्याख्यान में भारतेंदु ने क्या कहा, क्योंकि भारतेंदु का यह दौर वह दौर है जिस दौर में प्रताप नारायण मिश्र जो भारतेंदु मंडल के रचनाकार थे भारतेंदु के करीब थी, यह हुआ दौर है जिस दौर में उन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया। आज भी देखेंगे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया जाता है, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र का हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो है डराने के लिए नहीं था। प्रताप नारायण मिश्र का हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा डराता नहीं है, आज का हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा कहीं ना कहीं डर पैदा करता है, यह एक सच है। इसलिए कि उस दौर में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इन तीनों शब्दों का संप्रदायीकरण नहीं हुआ था, आज इस नारे का संप्रदायीकरण हो चुका है। जब तक संप्रदायीकरण नहीं हुआ तब तक यह नारा हमारे दिल के करीब था, जैसे संप्रदायीकरण होता कहीं ना कहीं यह नारा हमारे हृदय में सूल की भांति चुभता है। अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें, भारतेंदु का बलिया व्याख्यान जो 1884 का है वह हिंदू शब्द की व्याख्या करता है, और वहां जो हिंदू शब्द की व्याख्या की गई है वह संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में नहीं की गई है, वहां पर हिंदू शब्द की जो व्याख्या की गई है
व्यापक परिप्रेक्ष्य में की गई है। क्या कहते हैं भारत हिंदू? तो कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है सनातन, धर्म है सनातन, हिंदू कोई धर्म नहीं है। और भारतेंदु ने हिंदू शब्द की व्याख्या हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में की और समस्त भारतवासियों से एकता का आह्वान करते हुए भारतेंदु ने अपने उस व्याख्यान में कहा था कि ब्राह्मण, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन, बंगाली, मराठी सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। तो सवाल यह उठता है जिस व्यक्ति की सोच समावेशी है, जिस व्यक्ति की वामपंथ की सीमा और वामपंथियों की सीमा क्या रही, तो उनकी महत्वपूर्ण सीमा यह रही कि वे कई सच की ओर से आंखें मूंदे रहते हैं। क्या हम इस बात से इनकार करेंगे कि जिसे हम भारतीय संस्कृति आज कहते, क्या हम इस बात से इनकार करेंगे कि उस भारतीय संस्कृति के केंद्र में वैष्णव धर्म और वैष्णव संस्कार मौजूद है? वैष्णव धर्म और वैष्णव संस्कार ही भारतीय संस्कृति नहीं है, यह बात भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। लेकिन उस भारतीय संस्कृति के केंद्र में वैष्णव धर्म और वैष्णव संस्कार मौजूद हैं। वैष्णव धर्म और वैष्णव उन वैष्णव संस्कारों ने, उन वैष्णव संस्कारों के केंद्र में है सहिष्णुता और समन्वय का तत्व। और उस सहिष्णुता और समन्वय के तत्व ने क्या किया? उस सहिष्णुता और समन्वय के तत्व ने भारतीय संस्कृति को खुली संस्कृति का रूप दिया। और सांस्कृतिक दृष्टि के खुलेपन के कारण भारतीय संस्कृति जो है विविध तत्वों को आत्मसात करती चली जाती। भारतीय संस्कृति में देखें आर्य तत्व के लिए स्पेस है तो अनार्य तत्व के लिए भी स्पेस है। अगर अनार्य तत्व के लिए स्पेस नहीं होता तो आपको लगता है कि शिव के लिए जगह होती? किसी दृष्टि से शिव, भोलेनाथ जो हैं, किसी दृष्टि से आपको लगते हैं? कि वो फिट बैठते हैं वेशभूषा से लेकर के खान पान से लेकर उनके पूजा तक? देखें उनके सब लक्षण क्या बतलाते हैं, उनके सब लक्षण बतलाते हैं वो आयाती थे, हमने आत्मसात किया। जब इस्लाम आता है तो इस्लामिक तत्वों को भी हम आत्मसात करते। भारत की संस्कृति सामासिक संस्कृति है, कंपोजिटनेस इसमें है, कंपोजिट कल्चर है। जब पश्चिमी संस्कृति का आगमन होता आधुनिक युग में आकर के, तो यह पश्चिमी तत्वों को भी आत्मसात करती है। अब आगे यहां से बढ़े, यह तो बात हमने भारतेंदु की। अब मैं आगे बढ़ता, मैथिली शरण गुप्त जी, क्या कोई हिम्मत जुटा पाएगा कि मैथिली शरण गुप्त को, जिन्हें प्यार से हमने राष्ट्रकवि का दर्जा कहकर पुकारा, मैथिली शरण गुप्त क्या कहते? हिंदू शब्द की एक व्याख्या गुप्त जी के यहां भी है, जबकि गुप्त जी की रचनाओं के कथानक भी कहां से उठाए जा रहे? गुप्त जी की अधिकांश रचनाओं के कथानक अगर आप जाकर के देखें ऐतिहासिक पौराणिक मिथकीय आख्यानों से उठाए जा रहे हैं। यह बात अलग है कि वे पौराणिक आख्यानक जो हैं केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रहते। गुप्त जी करबला पर भी लिखते हैं
और गुप्त जी मार्स एवं जेनी के प्रेम कथा पर भी लिखते हैं, प्रेम प्रसंग पर भी लिखते हैं। लेकिन उनके अधिकांश कथानक पौराणिक मिथकीय आख्यानों से उठाए गए और उनके अधिकांश कथानक जिन पौराणिक मिथकीय आख्यानों से उठाए गए वे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति से संबद्ध है। लेकिन वही गुप्त जी भारत भारती में क्या कहते, गौर करेंगे। हो हिंदुओं के अर्थ हिंदू, हो हिंदुओं के अर्थ हिंदू, यवन यवनों के लिए हठ पक्षपात तथा दुराग्रह दूर उसने थे किए। ये श्रेय किसको देते, अकबर की वे तारीफ कर रहे हैं, अकबर की तारीफ कर रहे हैं। अकबर का मुसलमान होना गुप्त जी को अकबर की तारीफ करने से नहीं रोकता है। क्यों? क्योंकि अकबर के पास उदार हृदय था और विशाल दृष्टि थी अकबर के पास। क्यों? इसलिए क्योंकि अकबर ने अपने को मुसलमान के रूप में नहीं देखा, अकबर ने खुद को एक हिंदुस्तानी के रूप में देखा। क्यों? क्योंकि अकबर के दादा बाबर ने जो विरासत छोड़ी मुसलमान और मुगल बनकर के रहने की का संदेश उसमें नहीं था, उसमें संदेश था हिंदुस्तानी बनकर रहने का। और इसलिए अकबर हो हिंदुओं के अर्थ हिंदू, यवन यवनों के लिए, इसके प्रति अकबर कभी आग्रहशील नहीं रहा। और उसने हिंदुओं को भी सचिव तक का ऊंचा पद दिया। और इसलिए अकबर को देख करके उसी प्रकार गौरव की अनुभूति होती है गुप्त जी को, जिस प्रकार के गौरव की अनुभूति जो है किसको देखकर होती, अशोक को देखकर होती। और अकबर की तारीफ करते हुए उन्होंने क्या कहा, अशोक की परंपरा में रख करके देखते हुए उन्होंने भारतीय जाति का गौरव अकबर को बतलाया। कम कीर्ति अकबर की नहीं, सतशासकों की ख्याति में उसके संग शासक मिलेंगे किसी भी जाति में। और आगे क्या कहते हैं गुप्त जी, आप गौर करें, ये उनके मुंह पर तमाचा है जो गुप्त जी को पुनरुत्थानवादी कहते हैं, जो इनको जिनको गुप्त जी की रचनाओं में सांप्रदायिकता नजर आती है। क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता अहो, क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों से कहो। यहां पर अगर आप देखें तो गुप्त जी राष्ट्र रूपी माला की बात करते, गुप्त जी राष्ट्र रूपी माला की बात करते। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो वे कहते कि जैसे एक माला विभिन्न प्रकार के फूलों के संयोजन से निर्मित होती है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र रूपी माला भी जो है विविध धर्म के लोगों, विविध जाति के लोगों, विविध भाषा के लोगों के संयोजन से निर्मित होती है। अगर विविध फूलों के संयोजन से एक माला निर्मित हो सकती तो विविध भाषा भाषी लोगों, विविध धर्म के लोगों, विविध जातियों के लोगों के संयोजन से राष्ट्र रूपी वह माला क्यों नहीं तैयार हो सकती। बातें ये स्पष्ट। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, अब आ जाएं, ये तो समझ में आपकी आया
कि भाव रास के सकल मानसिक सुख हैं, दुख में बदल रहे, तो क्या प्रसाद रास और रासवाद के विरोध में है? नहीं, नहीं। प्रसाद जब रास और रासवाद के विरोध में होते तो यह पश्चिमी रासवाद की संकल्पना है। प्रसाद की राष्ट्रीयता, प्रसाद जिस रासवाद को लेकर उपस्थित होते वह घृणा पर आधारित नहीं है, वह प्रेम पर आधारित है। प्रसाद ने क्या कहा? प्रसाद ने कहा, किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हम कहीं से आए नहीं, हमारा घर था यही। तो किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हम कहीं से आए नहीं, हमारा घर था यही। मतलब प्रसाद जिस रासवाद की वकालत करते वह रासवाद पश्चिम के रासवाद से भिन्न है। वह रासवाद उपनिवेशों में, 20वीं शताब्दी में उपनिवेश एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में आकार ग्रहण करने वाला रासवाद है। वह रासवाद जो अपने स्वरूप में रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं है, जो अपने स्वरूप में रक्षात्मक है। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप जाकर के देखें तो आप क्या पाते? आप यह पाते हैं कि प्रसाद की राष्ट्रीयता की संकल्पना केवल अपने राष्ट्र और अपनी राष्ट्रीयता का सम्मान करना नहीं सिखलाती है, बल्कि प्रसाद की राष्ट्रीयता की अवधारणा, प्रसाद के राष्ट्र की अवधारणा अन्य राष्ट्रों और अन्य राष्ट्रीयताओं का भी सम्मान करना सिखलाती। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब आपने सुना होगा। प्रोवर्ब क्या है? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। जरा एक बार रुक करके सोचें, एक बार उस दौर में एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, यद्यपि वह पूरा नहीं हो पाया, मेरी बच्ची लियोना के नाम से। लियोना 19 साल की बच्ची जिसको बेंगलोर में गिरफ्तार किया गया था, बोलने नहीं दिया गया। मैं एक बात नहीं समझ पाता कि भारत मुर्दाबाद से आपको परहेज हो, यह बात तो थोड़ी समझ में आती है, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती कि पाकिस्तान जिंदाबाद से क्या परहेज। एक बात नहीं समझ में आती कि पाकिस्तान मुर्दाबाद में क्या खुशी मिलती है। एक बात मैं अक्सर कहता, कि मैं अगर अपनी पत्नी के पेरेंट्स का सम्मान करता हूं तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण और अहम कारण यह है कि मैं ये चाहता हूं मेरी पत्नी भी मेरे पेरेंट्स का सम्मान करे। अपने पेरेंट्स के लिए हमें सम्मान चाहिए, और यह सम्मान हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम, और कोई जरूरी नहीं है कि हम पत्नी के पेरेंट्स का सम्मान करें तो सम्मान मिल ही जाए, वो विचित्र इक्वेशन है, समझे।
आप उनके घर वाले के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, उनको आपके घर वाले के बारे में बोलने का विशेष अधिकार है। मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल सकता, इसलिए क्योंकि मैं भारत मुर्दाबाद नहीं सुन सकता किसी के मुंह से, और चूंकि मुझे भारत मुर्दाबाद से परहेज है इसलिए हमें पाकिस्तान मुर्दाबाद से भी परहेज है। उस कल्चर, उस सोच, उस मानसिकता के पक्ष में मैं नहीं हूं जो पाकिस्तान मुर्दाबाद पर आह्लादित होती है। मैं एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का सम्मान करता हूं, इसलिए क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में भारत के सम्मान की दरकार है हमें, और वह सम्मान हमें तब तक नहीं मिलेगा जब हम अन्य राष्ट्रों और अन्य राष्ट्रीयताओं को सम्मान नहीं दें। क्या आपको नहीं लगता कि प्रसाद की जो पूरी की पूरी सोच है, प्रसाद की जो पूरी की पूरी सोच है राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर, उस सोच के केंद्र में इस भाव की मौजूदगी है कि प्रसाद को अपने राष्ट्र और अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सम्मान चाहिए, और चूंकि प्रसाद को अपने राष्ट्र और अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सम्मान चाहिए, उससे समझौता प्रसाद को स्वीकार्य नहीं, इसलिए प्रसाद अन्य राष्ट्र को भी सम्मान देने की बात करते, अन्य राष्ट्रीयताओं को भी सम्मान देने की बात करते, और इसलिए प्रसाद के राष्ट्र, प्रसाद के राष्ट्रवाद और प्रसाद की राष्ट्रीयता में एक स्पेस है, एक स्पेस है। और चूंकि वह स्पेस है इसलिए दोनों राष्ट्रीयताओं में देखेंगे एक फर्क है। फर्क क्या है? जो राष्ट्रीयता पश्चिम में आकार ग्रहण कर रही थी वह अपने स्वरूप में अमानवीय है। जो राष्ट्रीयता पश्चिम में आकार ग्रहण कर रही है या पश्चिमी तर्ज पर जो भी राष्ट्रीयता आकार ग्रहण करेगी, पश्चिमी तर्ज पर जो भी राष्ट्रीयता आकार ग्रहण करेगी वह अपने स्वरूप में अमानवीय होगी, वह घृणावाद का प्रचार करती दिखाई पड़ेगी। कहीं उस घृणा के निशाने पर यहूदी होंगे तो कहीं उस घृणा के निशाने पर मुसलमान मौजूद होंगे। जबकि प्रसाद जिस राष्ट्रीयता की बात करते, प्रसाद जिस राष्ट्रीयता की बात करते वह अपने स्वरूप में क्या है? प्रसाद जिस राष्ट्रीयता की बात करते हुए आते वह राष्ट्रीयता अपने स्वरूप में मानवीय है। और आप गौर करेंगे चूंकि यह अपने स्वरूप में अमानवीय है इसलिए इसका विस्तार इसकी संभावनाओं का विस्तार अंतर्राष्ट्रीयतावाद तक है। इसलिए इसकी संभावनाओं का विस्तार अंतर्राष्ट्रीयतावाद तक दिखाई पड़ेगा। क्यों? अगर आप देखें इसके केंद्र में है, वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श, या वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों से अनुप्राणित है, या
बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के आदर्शों से अनुप्राणित है। यह बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के आदर्शों से अनुप्राणित है। यह जो है अगर आप देखें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कार्नेलिया क्या गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह अनजान क्षितिज, यह अनजान क्षितिज जो है वह भारतीय राष्ट्रीयता की सीमाओं को अंतर्राष्ट्रीयतावाद तक विस्तार देता है, इंटरनेशनलिज्म तक विस्तार देता है, उसे मानवीय स्वरूप प्रदान करता हुआ। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो पढ़ें पढ़ें प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक को, स्कंदगुप्त नाटक को, स्कंदगुप्त नाटक में परंगदत्त क्या कहते हैं पांचवें अंक में, परंगदत्त कहते हैं अन्न पर स्वत्व है देशवासियों का, अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का, अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। उसी स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद कहते कि राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं उसी के कल्याण के लिए, जब हम ही से ये अवैध सेवा लेना चाहें, जब हम ही से ये अवैध सेवा लेना चाहें तो व्यक्ति को यह अधिकार है कि उस राष्ट्र और समाज को उखाड़ फेंके। यहां पर गौर करेंगे, यहां पर गौर करेंगे, प्रसाद के लिए राष्ट्र राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता साध्य नहीं है, प्रसाद के लिए राष्ट्र राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद यह साध्य नहीं है। यह क्या है, साधन है, यह क्या है, साधन है। किसका साधन है, तो यह साधन है व्यक्ति के कल्याण का, यह साधन है समाज के कल्याण का। और प्रसाद की नजरों में इसकी प्रासंगिकता तभी तक है, प्रसाद की नजरों में इसकी प्रासंगिकता तभी तक है जब तक यह व्यक्ति के कल्याण और समाज के कल्याण में सहायक बनकर के आता है। जैसे यह अब व्यक्ति और समाज के कल्याण को अवरुद्ध करना शुरू करे, यह अपनी प्रासंगिकता क्या करेगा, यह अपनी प्रासंगिकता खोने लगेगा, इसकी प्रासंगिकता समाप्त होती चली जाएगी। लेकिन प्रसाद के युग ने भी नहीं सुना प्रसाद को, प्रसाद के समय के भारत ने भी नहीं सुना,
और प्रसाद के समय की दुनिया ने भी नहीं सुना। अगर दुनिया ने नहीं सुना, प्रसाद की चेतावनी का असर दुनिया पर नहीं हुआ, तो उसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में होती है। और अगर प्रसाद के समय के भारत ने प्रसाद की चेतावनी को नहीं सुना, तो उसकी परिणति विभाजन और विभाजन की त्रासदी के रूप में होती है। प्रसाद को अनसुना करने का की कीमत दुनिया को भी चुकानी पड़ी और प्रसाद को अनसुना करने की कीमत भारत को भी चुकानी पड़ी। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रसाद की चेतावनी एक बार फिर से हमारे लिए प्रासंगिक हो चुकी है। अगर हमने समय रहते प्रसाद को सुनने की कोशिश नहीं की, तो एक बार फिर से उसकी एक बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। अगर हमने समय रहते प्रसाद की चेतावनी को नहीं सुना, अगर हमने समय रहते उस चेतावनी को अमल में लाने की कोशिश नहीं की, तो उसकी एक बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है आने वाले वर्षों में, आने वाले दशकों में, उसी तरह जिस प्रकार की कीमत हमें 1947 में चुकानी पड़ी। और इसलिए अक्सर मुझे लगता है कि भारतेंदु जैसे रचनाकार, अक्सर मुझे लगता है मैथिली शरण गुप्त जैसे रचनाकार, अक्सर मुझे लगता है जयशंकर प्रसाद जैसे रचनाकार भारतीयता में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे किसी एक रचनाकार में अगर हम डूबें, डुबकी लगाएं, अगर उनको समझने की कोशिश करें, अगर उसे हम जानने की कोशिश करें, तो ऐसे एक रचनाकार भारत और भारतीयता की समझ को विकसित करने में पूरी तरह से समर्थ है। बातें ये स्पष्ट हुई। अब अगर इसके पर्सपेक्टिव में देखें तो अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता है, मिटाता हूं इसको, अगर आप देखें इसको थोड़ा सा एलिब्रेट दो डायरेक्शन में कर देंगे, क्योंकि जो हम चर्चा कर रहे हैं 1936 में कर रहे हैं, और 1936 में अगर आप जाकर के देखें तो आप पाते हैं 1929 से 30 वैश्विक आर्थिक महामंदी, और यह वैश्विक आर्थिक महामंदी जो होती है इसके कारण आप क्या पाते हैं? इसके कारण अगर आप देखें पूंजीवाद से मोह भंग होता, और साम्यवाद के प्रति प्रबल आकर्षण,
देखें अंतर क्या है। आप ये कह सकते कि पूंजीवाद के इतिहास में 1929 टू 1933 क्राइसिस मोमेंट, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप देखेंगे 1980s साम्यवाद के इतिहास में क्राइसिस मोमेंट के रूप में आता। और इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, बार बार मैं कहता हूं क्राइसिस के प्रति आप कैसे रिस्पोंड करते हैं यह आपके सर्वाइवल को इंडिकेट करेगा। पूंजीवाद ने उस क्राइसिस को रिस्पोंड किया, किन्स सामने आते और किन्स की सलाह पर ही देखेंगे तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट न्यू डील की दिशा में पहल करते। न्यू डील क्या है? साम्यवाद ने उस चुनौती का सामना करने के लिए पूंजीवाद ने उस चुनौती का सामना करने के लिए साम्यवाद के कुछ तत्वों को अपनाया, वेलफेयर इकोनॉमी के कुछ तत्वों को अपनाया और इसके कारण सर्वाइवल क्या हुआ? आसान हो गया। अगर आप देखें तो यही क्राइसिस मोमेंट है और इस क्राइसिस मोमेंट में आप क्या पाते? यह हुआ दौर है जब साम्यवाद संकट में है, पूंजीवाद संकट में है, जबकि साम्यवाद सोवियत संघ के नेतृत्व में तेजी से प्रगति कर रहा है, नहीं? और यह हुआ दौर है जिस दौर में पूंजीवाद के संकट का पूरा पूरा राजनीतिक लाभ किसने उठाया? साम्यवाद ने उठाया। वाम साम्यवाद की लोकप्रियता निरंतर क्या हो रही है? बढ़ रही है। और आप अगर देखें तो हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों ने क्या किया? हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों ने जो है अल्टीमेटली इसी का लाभ उठाने का काम किया। साम्यवाद का भय दिखा दिखा कर, साम्यवाद का भय दिखा दिखा कर हिटलर और मुसोलिनी ने अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की, जर्मनी के समाज में, इटली के समाज में। और वहां का जो पूंजीवादी तबका होता है साम्यवाद के डर से हिटलर और मुसोलिनी को समर्थन देता हुआ दिखाई पड़ता, अल्टीमेटली उसकी परिणति को देख लो। तीसरा कंटेक्स्ट जो इमर्ज करता हुआ आता वह है मानव और मानवता खतरे में। मानव और मानवता खतरे में मानव और मानवता को जो यह खतरा है, यह खतरा किससे है? कौन है जो मानव और मानवता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है? तो एक और अगर आप देखें राजनीतिक सर्वसत्तावाद, पॉलिटिकल ऑथोरिटेरियनिज्म जो सर्वाधिकारवाद का उभार दिखाई पड़ रहा, नाजीवाद फासीवाद के रूप में, और दूसरी ओर यह खतरा किससे है? यांत्रिक सभ्यता भी तो मानव और मानवता के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। आप देखें
गैस, उसका पॉजिटिव यूज भी है और कंस्ट्रक्टिव भी यूज है, डिस्ट्रक्टिव भी यूज है। गैस जो है रिलेटिवली अगर आप देखें तो सोर्सेज ऑफ क्लीन फ्यूल है रिलेटिवली, और उस गैस का इस्तेमाल, गैस चेंबर का इस्तेमाल यहूदियों के नरसंहार के लिए किया गया हिटलर के द्वारा। अगर आप देखें न्यूक्लियर एनर्जी, नहीं, एनर्जी गैप को भरने में सहायक है, उसका पीसफुल पर्पस से भी इस्तेमाल होता, और उसी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल जो है डिस्ट्रक्शन के लिए भी होता। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए गए और वह परमाणु हमला कितना घातक था, आज अमेरिका मानवाधिकार का पैरोकार है। वह परमाणु हमला कितना घातक था उसका अंदाजा इसी बात से लगा लें कि आज भी उस परमाणु हमले के असर से जापान नहीं उबर पाया है। आज भी उस हमले का असर वहां पर पैदा होने वाले बच्चों पर दिखाई पड़ता। आप अगर देखें जब कामायनी आप पढ़ेंगे तो मनु ईरा के संपर्क में जब आते, तो मनु जब ईरा के संपर्क में आते तो अनिर्वाचित सुख भोगने की लालसा उनमें प्रबल है। मनु अपनी मनमानी पर उतर आते, ईरा जो सारस्वत प्रदेश में सभ्यता के विकास में उनकी सहयोगिनी है, उस ईरा पर मनु अधिकार करना चाहते, उस ईरा को अपनी तुष्टि के साधन में तब्दील करना चाहते। परिणाम क्या होता, ईरा चेतावनी देती है, मनु अनसुनी करती, और परिणाम क्या होता, ईरा के नेतृत्व में प्रजा विद्रोह कर देती है। तो ये जो मनु की अधिनायकवादी आकांक्षा है, उस अधिनायकवादी आकांक्षा को के माध्यम से प्रसाद ने इस राजनीतिक सर्वसत्तावाद के खतरे की ओर इशारा किया, और इस अधिनायकवादी आकांक्षा का डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध को प्रसाद ने सुनिश्चित किया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों में प्रसाद की गहरी आस्था को दर्शाता है। और ये जो यांत्रिक सभ्यता का विकास है, इस यांत्रिक सभ्यता के विकास ने किसको स्ट्रेंथन करने का काम किया, किसको मजबूती प्रदान करने की कोशिश की, आविष्कारों पर अधिकार किसका होगा, जिसके पास संसाधन होंगे। संसाधन किसके पास है, समाज का जो एलिट क्लास, तो संसाधन इसके पास है तो इसका लाभ प्राइमरली इनको मिलेगा, और इसका लाभ प्राइमरली इनको मिलेगा तो यह इनके पोजीशन को क्या करेगा,
स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई? तो ये जो कंटेक्स्ट थे, ये कंटेक्स्ट तदयुगीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। तदयुगीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में हम आपसे बात कर रहे थे। और इसके कंटेक्स्ट में हमने देखने की कोशिश की कि किस प्रकार कामायनी में अभिव्यक्त प्रसाद की चिंताएं जो हैं वह किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के दायरे में सिमट कर नहीं रह जाते, किसी देश की भौगोलिक सीमा के दायरे में सिमट कर नहीं रह जाती, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय रुख अख्तियार करती दिखाई पड़ती। क्लियर? यहां तक में कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न? क्या है कोई प्रश्न? अब वो हमारे हिंदी लिटरेचर का विषय नहीं है, जाकर के तलाशे ना। अब तो देख रहे हैं कि पूरी की पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है आपके, लेकिन आप ही अपनी मुट्ठी से बाहर चले गए। कर लो दुनिया मुट्ठी के में के चक्कर में नहीं, दुनिया तो हमारी मुट्ठी में है, लेकिन हम अपनी मुट्ठी के बाहर हैं, हम किसी और की मुट्ठी में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा तलाशने की कोशिश कीजिए, ठीक है? कल फिर मैं यहां से आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय की ही बात की है, अब कई जगहों पर राष्ट्रीय समाहित हो गए तो खराबी तो करेगा नहीं। आगे कुछ और चीजों की चर्चा करूंगा। थैंक यू।